इस वीडियो में आज हम वायरलेस नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। वायरलेस नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अंदर हम कोई वायर का इस्तेमाल नहीं करते, और ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है लोकल एरिया लेवल के ऊपर, यानी घरों में, हमारे ऑफिसेज में हम इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमें वायरिंग करने की या वायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वायरलेसली हम अपनी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हम एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं वाईफाई। अभी जो वायरलेस नेटवर्क है, ये दरअसल क्या है? ये एक नेटवर्क सेटअप है, एक ऐसा नेटवर्क सेटअप जिसके अंदर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स, मुख्तलिफ नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर हम इसमें वायर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो फिर हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी का। रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो कि डाटा को, एक कैरियर वेव होती है जो कि डाटा को कैरी करती है एक सिग्नल के तौर पे, और एक जगह से दूसरी जगह एयर में ट्रांसफ़र करती है डाटा। तो रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है, ये एक डिवाइस जनरेट करती है, और उस डिवाइस में एक एंटीना लगा होता है जहाँ से ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और इसकी ख़ास वेवलेंथ होती है जिस वेवलेंथ के ऊपर ये हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। वेवलेंथ कहते हैं यहाँ से लेकर इस वेव के पीक से लेकर इस वेव तक के डिस्टेंस को, ये वेवलेंथ कहलाती है। तो इसकी ख़ास एक वेवलेंथ होती है। तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर्स को और नेटवर्किंग डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्ट करते हैं, और अपने घर में, अपने ऑफिस में मौजूद हमारे डिवाइसेस कहीं पे भी मौजूद हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। और यानी इसके अंदर ये जो रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, ये दरअसल पाई जाती है रेडियो वेव्स में। रेडियो वेव्स में या कहीं पर हमें, जहाँ पर हमें थोड़ा सा ऑफिस बड़ा होता है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने वायरलेस कनेक्शन बनाना होता है, तो वहाँ पे हम माइक्रोवेव का फिर इस्तेमाल करते हैं, जो कि माइक्रोवेव रेडियो वेव्स के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल वेव्स होती हैं। तो हमारा जो वायरलेस नेटवर्क है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक जिसे हम कहते हैं वायरलेस राउटर और एक जिसे हम कहते हैं वायरलेस क्लाइंट्स। इन्हीं, यही आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं। याद रहे कि इसको WLAN भी कहा जाता है। अब हम इसी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ वायरलेस क्लाइंट्स दिखाए गए हैं। ये हमारे क्या हैं, जैसे कि ये वायरलेस स्टेशन 1, वायरलेस स्टेशन 2, 3 और 4। हर डिवाइस जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इटसेल्फ क्या है, वो एक वायरलेस स्टेशन है। अब ये जो वायरलेस स्टेशन है, ये दरअसल हमारे वायरलेस क्लाइंट्स हैं। ये क्या करते हैं कि इनके अंदर एक कार्ड लगा होता है जिसको हम NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है, इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये इस डिवाइस से, यहाँ पे जो डिवाइस है इसको एक्सेस पॉइंट कहा जाता है, या ये राउटर कहलाता है। ये राउटर जो है, रेडियो वेव्स के जो सिग्नल्स हैं वो एमिट करता है, वो निकालता है, और इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हमारे मोबाइल फ़ोन में, हमारे लैपटॉप्स में, हमारे स्मार्टफोन्स में ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मौजूद होता है, जो कि हमारे वाईफाई राउटर से आने वाले वाईफाई सिग्नल को डिटेक्ट करता है, और इसकी वजह से हम अपने इस डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं अपने राउटर से। इस राउटर के बैक पे एक इंटरनेट कनेक्शन काम कर रहा होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे जो मेन इंटरनेट कनेक्शन है, वो दरअसल आ रहा है यहाँ पे। ये कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि PTCL एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ से नेटवर्क इंटरफेस डिवाइस जो यहाँ पर मौजूद है, जो कि उस इंटरनेट कनेक्शन को रिसीव कर रही है, ये हमारा यहाँ पर मॉडम यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये हमारी नेटवर्क इंटरफेस डिवाइस है। और फिर यहाँ से हम वाईफाई राउटर का इस्तेमाल करते हुए जितना भी हमारे सिग्नल्स हैं, वो दरअसल ट्रांसमिट हो रहे हैं इन एंटीनास के ज़रिए, और इसके अंदर रेडियो वेव्स एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक सिग्नल जनरेट कर रही है, और इस सिग्नल को इस लैपटॉप में मौजूद हमारा जो एंटीना है, वो उसको रिसीव कर रहा है। इसकी मदद से हमारी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो इस तरह का नेटवर्क जो कहलाता है, ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, या इसको WLAN कहा जाता है। अब ये जो यहाँ पे बात याद रहे कि ये जो वायरलेस नेटवर्क है, जो प्योर वायरलेस नेटवर्क है, ये दरअसल लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर ही काम करता है। जबकि इसके मुकाबले में हमारे पास जो दूसरे नेटवर्क्स हैं, जैसे कि
हमने जब बहुत बड़े डिस्टेंस के लिए नेटवर्किंग करनी होती है, जैसे कि अगर आप एक नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं एक कंट्री ए से कंट्री बी तक, तो एक कंट्री या एक सिटी या एक दो सिटीज़ के बीच में या दो मुल्कों के बीच में प्योर वायरलेस नेटवर्क मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं हमें वायर की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ बेशक अगर आपका नेटवर्क बिल्कुल स्टार्ट में थोड़े फासले तक वायरलेस रहेगा, लेकिन फिर आपको आगे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे कहीं ना कहीं वायर की। और इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे डिस्टेंस के ऊपर वायरलेसली काम करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम सेटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हमने वायरलेस नेटवर्क और ख़ास तौर पे वायरलेस नेटवर्क जो कि हम लोकल एरिया नेटवर्क में हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है इसके बारे में पढ़ा।